हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू कैम्पस एक्स सो इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्ले लिस्ट कंटिन्यू करेंगे uh, अभी तक डीप लर्निंग के प्ले लिस्ट में हमने बहुत चीज़ें कवर की पहले हमने ए एन एन कवर किया फिर हमने सी एन एन स्टार्ट किया और सी एन एन में भी हमने बहुत डीप घुस करके बैक uh, प्रपोगेशन जैसा टॉपिक भी कवर किया सो आई था नाउ इट इज़ अ गुड टाइम कि हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं जहाँ पर हमने जो भी अभी तक सीखा है उसको यूज़ करें सो वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल प्रोजेक्ट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बिल्ड अ डॉग वर्सेज कैट क्लासीफायर ठीक है एक ऐसा सीन एन मॉडल हम बनाने जा रहे हैं जिसको अगर आप डॉग या कैट की फ़ोटो दोगे तो वो क्लासीफाई करके आपको बता सकता है कि उस फोटो में डॉग है या फिर कैट है ठीक है सो so, uh, इस पूरे के पूरे वीडियो में जो भी कोड है मैं एकदम स्क्रैच से आपको लिख के दिखाऊंगा हम लोग अपना खुद का एक सी आर्किटेक्चर बनाएंगे इनफैक्ट uh, अगर मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसको इम्प्रूव कैसे करना है उसके ऊपर भी हम लोग एक डिस्कशन करेंगे एंड लास्ट में मैं आपको नए अनसीन डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन करके भी दिखाऊंगा ठीक है सो so, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज अभी तक आप जो भी थ्योरी में पढ़ रहे थे उसको आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आई वुड रिकमेंड आप साथ में कोड करो दैट वुड गिव यू मोर नॉलेज ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो गाइज़ ये रहा वो डेटा सेट जो हम लोग यूज़ करने वाले कैडल uh, पे मुझे ये डेटा सेट मिला डॉग्स वर्सेस कैट्स बहुत ही सिंपल डेटा सेट है यहाँ पर दो फोल्डर्स हैं टेस्ट और ट्रेन और इसके अंदर सारे इमेजेस हैं ठीक है इनफैक्ट मैंने ये डेटा सेट डाउनलोड भी कर लिया था सो so, डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरीके से दो फोल्डर्स दिखाई देंगे टेस्ट और ट्रेन और दोनों ही फोल्डर्स में फिर से आपको दो फोल्डर्स दिखाई देंगे कैट्स एंड डॉग्स ठीक है अगर आप कैट्स में जाओगे तो यू वुड सी कैट्स की सारी फोटोज ऑर्गेनाइज हैं और अगर आप डॉग्स में जाओगे तो सेम चीज़ वहाँ पे भी आपको दिखाई देगी डॉग्स की सारी फोटोज आपको एक जगह दिखाई देंगी ठीक है तो ये डेटा सेट हम लोग यूज करने वाले हैं इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अब हमें क्या करना है कि हमें एक इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना है जिसमें अगर हम एक नया इमेज इनपुट करेंगे तो वो क्लासीफाई करके देगा कि उस गिवन इनपुट इमेज में जो एंटिटी है वो डॉग है या फिर कैट है ठीक है अब हम लोग केराज यूज करने वाले ये पूरा सी एन एन क्लासीफिकेशन करने के लिए और वी आर नॉट गोइंग टू यूज आवर ओन इंस्टॉलेशन इंस्टेड हम लोग गूगल को लैब यूज करेंगे बिकॉज हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों के पास जी पी यू वाली मशीन ना हो तो मुझे लगता है कोलाब कोलाब में काम करना इज द बेस्ट ऑप्शन ठीक है सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सर्च गूगल कोलाब यहां पे आई क्रिएट अ न्यू नोटबुक सो दिस इज द न्यू नोटबुक इसका हम लोग नाम रख देते हैं कैट्स वी डॉग्स क्लासिफिकेशन, ठीक है अब हमें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि हमें ये जो डेटा सेट है यहाँ पर इसको यहाँ पर लेके आना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कैगल की अपनी प्रोफाइल में जाना पड़ेगा आपको और वहाँ पे आपको अपने अकाउंट में जाना पड़ेगा और नीचे जा करके यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू एपीआई टोकन ये आपके लिए एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा कैगल डॉट जेसॉन बोल के आपको गूगल कोलाब में उस फ़ाइल को अपलोड कर देना है सी अपलोड हो गया मैं इसको बस रीनेम कर देता हूँ ये वन वाला होने से शायद गड़बड़ हो सकता है लेट्स कीप इट एज़ कैगल डॉट जेसॉन अब आपको क्या करना है वापस आना है अपने डेटा सेट के ऊपर और वहां से आपको एक कमांड चाहिए जो आपको यहां से मिलेगा कॉपी एपीआई कमांड ठीक है और आप क्या करोगे उस एपीआई कमांड को एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यहां पर पे पेस्ट कर लोगे ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है दो कमांड्स और रन करने हैं इनफैक्ट इसके पहले दो कमांड्स और रन करने हैं ये रहे वो दो कमांड्स ठीक है तो पहले मैं इसको चलाऊंगा और उसके बाद मैं जैसे ही इसको चलाऊंगा यू वुड सी कि कैगल से वो डेटा पूरा उठ करके गूगल को लैब में आ जाएगा यू कैन सी ये डेटा डाउनलोड हो रहा है कैगल से बेसिकली कैगल के सर्वर से वो डेटा उठ रहा है और गूगल को लैब के सर्वर पर आ रहा है तो Uh, आप इनडायरेक्टली भी ये काम कर सकते थे आप पहले कैगल से डाउनलोड करते अपनी मशीन पे फिर अपनी मशीन से अपलोड करते गूगल को लैब में एंड यू नो बिकॉज इतना बड़ा डेटा सेट है बहुत टाइम लग जाता दिस इज़ एन ईजियर वे टू डू दिस ठीक है बस ये दो कमांड्स आपको रन करने पड़ते हैं एंड यू कैन सी कमांड रन हो गया अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूँ तो यू कैन सी हमारे पास ये डेटा आ चुका है द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये जो डेटा हमारे पास आया है ये ज़िप फॉर्मेट में है तो हमें इसको अनजिप करना पड़ेगा अगेन उसके लिए आपको बस ये कोड लिखना है uh, ये कोड क्या करेगा इस फाइल को अनजिप करके इसके सारे कॉन्टेंट को uh, यहाँ पे दिखाने लग जाएगा एंड यू कैन सी अब अगर हम रिफ्रेश करें ये रहा हमारा टेस्ट और ये रहा हमारा ट्रेन ठीक है ये दोनों फोल्डर्स हमें मिल चुके हैं अब हमें बस क्या करना है हमें एक सी एन एन मॉडल बनाना है और उसमें इस डेटा को फीड कराना है ठीक है और उसके बाद हम एक्यूरेसी वगैरह निकालेंगे और दैट्स इट हमारा मॉडल बन चुका होगा तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे कि सारी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे जैसे कि इम्पोर्ट टेंसर फ्लो एज टी एफ फ्राम फ्लो इम्पोर्ट केरास From Keras import sequential and from Keras import in fact from Keras dot layers let's import the dense layer conv two D layer max Pooling, टू डी ये सारे लेयर्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है और इसको हम लोग रन कर रहे हैं और ये हमने इम्पोर्ट कर लिया ठीक है अब देखो हमें क्या करना है हमें ट्रेन फोल्डर के अंदर ये जो सारे इमेजेस पड़े हैं इसको उठा करके हमारे मॉडल को देना है अब इसके लिए आप कस्टम कोड लिख सकते हो यूजिंग द ओएस मॉड्यूल कि आप इन फोल्डर्स के अंदर जाओगे फिर एक एक करके सारी फाइल्स का नाम उठाओगे और उनका लेबल उठाओगे और फिर वो पूरे डेटा को आप भेज सकते हो आ, टू द सी एन एन मॉडल बट प्रॉब्लम क्या होता है कि इमेजेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक साथ पूरा का पूरा प्रोसेसिंग करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज रैम कम पड़ जाता है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करता है केरास जिसको बोला जाता है जनरेटर्स इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से समझाए कि जनरेटर्स क्या होते हैं सो so, जनरेटर्स क्या होते हैं कि आपके पूरे डेटा को बैचेस में डिवाइड कर देते हैं सो so, लेट्स से अगर आपके पास दस हजार इमेज हैं तो आप एक साथ दस हजार इमेज के ऊपर काम नहीं करके छोटे छोटे बैचेज में उस डेटा को डिवाइड कर लेते हो और फिर एक बार में रैम में सिर्फ एक छोटा सा बैच लोड होता है और फिर जब उसका काम हो जाता है तो वो हट जाता है फिर नेक्स्ट बैच लोड होता है तो जनरेटर्स आर वेरी यूजफुल टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर एक जनरेटर के साथ काम करेंगे जो केराज हमें प्रोवाइड करता है और इस जनरेटर का नाम है इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्ट्री ओके तो मैं आपको दो जनरेटर्स बना के भी दिखाऊंगा वन फॉर ट्रेनिंग डेटा एंड वन फॉर वैलिडेशन डेटा एंड दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस जनरेटर फंक्शन सो हमें बस क्या करना है इस फंक्शन को कॉल करना है और इसमें कुछ इनपुट देना है जैसे कि डायरेक्टरी बताना है डायरेक्टरी मतलब पाथ बताना है लेबल्स क्या होंगे वो बताना है लेबल मोड बताना है और बैग साइज कितना होगा ये बताना है इमेज साइज कितना होगा ये बताना है आपको बस इतनी ही चीज़ें बतानी है ठीक है सो तो वी वु राइट केरा डॉट यूटिल्स डॉट इमेज डेटा फ्रॉम इनफैक्ट लेट्स कॉपी दिस कॉपी ठीक है अब यहां पे हम एक एक करके हमारा इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले होगा डायरेक्टरी डायरेक्टरी में आप दे दोगे ये जो ट्रेन वाला जो पाथ है सो मैं कॉपी कर रहा हूं कॉपी पाथ This. उसके बाद लेबल्स में आप दोगे इनफर्ड लेबल अंडरस्कोर मोड में आप दोगे इंटीजर इससे क्या होगा कि कैट्स को जीरो असाइन हो जाएगा डॉग्स को वन असाइन हो जाएगा बैच साइज में वी कैन गिव थर्टी टू एंड इमेज साइज में वी कैन गिव टू फिफ्टी सिक्स कॉमर टू फिफ्टी सिक्स तो हमारे सारे जो इमेजेस हैं वो काइंड ऑफ टू फिफ्टी सिक्स बाई टू फिफ्टी सिक्स बाई थ्री में रीशेप हो जाएंगे ठीक है क्योंकि हमारा सी एन एन मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है कि सारे इमेजेस का साइज सेम हो बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने डेटा में देखो तो यू कैन सी ये सारे इमेजेस का साइज़ अलग अलग है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है इसलिए हम लोग उसको सेम साइज़ दे रहे हैं तो इससे हमें एक डेटा सेट ऑब्जेक्ट मिलेगा लेट्स कॉल इट ट्रेन डेटा सेट और फिर हम लोग एक सेम काम करेंगे और वैलिडेशन डेटा सो लेट्स कॉल इट वैलिडेशन और यहां पर बस हम क्या करेंगे टेस्ट का पाथ कॉपी कर लेंगे और यहां पे पेस्ट कर देंगे ठीक है बाकी सब कुछ हम लोग एकदम सेम रखेंगे एंड यू कैन रन इट यूटिस नहीं है यूटिस सॉरी अबाउट दैट अब रन करते हैं एंड यू कैन सी ट्रेन डेटा सेट जो हमारा है उसमें ट्वेंटी थाउजेंड फाइल्स है बिलोंगिंग टू टू क्लासेस और टेस्ट वाले में फाइव थाउजेंड फाइल्स बिलोंगिंग टू टू क्लासेस ठीक है अब बस हमें एक छोटा सा चीज़ और करना है कि ये जो हमने अभी इमेजेस को स्टोर किया ये नम्पाई एरे के फॉर्मेट में स्टोर हुआ है ठीक है बट द प्रॉब्लम इज कि नम्पाई एरे का हर वैल्यू जीरो से लेके 255 तक है हमें उसको जीरो से लेके वन तक करना है सो so बेसिकली हमें नॉर्मलाइज करना है ठीक है तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा कोड हमें लिखना पड़ेगा और ये रहा वो छोटा सा कोड बेसिकली uh, हमने एक प्रोसेस बोल के फंक्शन बनाया जिसको एक इमेज मिल रहा है और एक लेबल मिल रहा है और इमेज के ऊपर हम लोग सिंपली ये ऑपरेशन चला दे रहे हैं कि 255 से डिवाइड कर दे रहे हैं ठीक है और इमेज और लेबल को वापस रिटर्न कर दे रहे हैं और हमने मैप फंक्शन यूज कर लिया सो मैप फंक्शन क्या करेगा हर बार ट्रेन डी से एक इमेज और उसके लेबल को निकाल के इस फंक्शन को भेजेगा और ये फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन करके वापस रिटर्न करेगा और हम उसको वापस ट्रेन डी एस और वैलिडेशन डी एस में ही स्टोर कर देंगे सो so बेसिकली इस पूरे ऑपरेशन को करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सारे पिक्सल जो वैल्यूज हैं वो जीरो से वन के बीच में हो ठीक है अदरवाइज आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे लेट्स रन दिस एंड यू कैन सी हमारा जो डेटा सेट है नाउ इट इज रेडी ठीक है अब हमें क्या करना है हमें अपना सी मॉडल बनाना है और उस मॉडल में आ, हम लोग इस डेटा को पास करेंगे ठीक है तो आई राइट क्रिएट मॉडल सो हम लोग एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाएंगे जहां पर देर वुड बी थ्री कॉन्वल्यूशन फर्स्ट लेयर देर वुड बी थर्टी टू फिल्टर्स सेकेंड लेयर देर वुड बी सिक्सटी फोर फिल्टर्स थर्ड लेयर लेर वुड बी वन ट्वेंटी एट फिल्टर्स ठीक है सो so, डू दैट मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल क्लास का ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट एड कॉन टू डी थर्टी टू फिल्टर्स कर फिल्टर साइज हम लोग लेके चल रहे हैं थ्री बाई थ्री पैडिंग वैलिड लेके चल रहे हैं फिलहाल एक्टिवेशन रैल्यू रहता है एंड इनपुट शेप ये हो जाएगा टू फिफ्टी सिक्स कॉमा टू फिफ्टी सिक्स कॉमा थ्री ठीक है ये हो गया हमारा पहला कॉन्वल्यूशन लेयर कॉन्व्यूशन लेयर के जस्ट बाद हम लोग पूलिंग लेयर लगाएंगे सो वी वुड राइट मॉडल डॉट एड मैक्स पूलिंग टू डी पूल साइज का वैल्यू हम लोग दे देंगे टू बाय टू स्ट्राइड्स का वैल्यू हम लोग दे देंगे टू और पैडिंग यहां भी हो जाएगा वैलिड, ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे बस इस पूरे इसको रिपीट कर देंगे कॉपी पेस्ट पेस्ट ठीक है सेकंड वाले में देर वुड बी सिक्सटी फोर फिल्टर्स ये इनपुट शेप देने की ज़रूरत नहीं है वो अपने आप इन्फ़र कर लेगा और यहाँ पर होगा वन ट्वेंटी एट फिल्टर्स अगेन ये देने की ज़रूरत नहीं है अपने आप इन्फ़र हो जाएगा बाकी सब कुछ सेम है अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे मॉडल डॉट एड फ्लैटन लेयर और उसके बाद हमारे फुली कनेक्टेड हम लोग तीन फुली कनेक्टेड लेयर्स लगा रहे हैं मॉडल डॉट एड डेंस लेयर विथ 128 ट्वेंटी एट न्यूरोन्स एंड एक्टिवेशन इक्वल्स रेल्यू मॉडल डॉट एड डेंस सिक्सटी फोर न्यूरोन्स एक्टिवेशन इक्वल्स रैल्यू और लास्ट में मॉडल डॉट एड डेंस आउटपुट है ये तो एक एंड एक्टिवेशन हो जाएगा सिग्मोइड और इसको हमने रन कर लिया दिस इज आर मॉडल ठीक है एक बार मॉडल का समरी देख लेते हैं और यहाँ पे आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि पूरा शेप सही से फ्लो कर रहा है कि नहीं एंड uh, में हमारे पास ये टेंसर है थर्टी बाय थर्टी बाय ट्वेंटी एट का जिसको हमने फ्लैटन किया एंड टोटल मिला के अराउंड एक करोड़ अड़तालीस लाख पैरामीटर्स हैं इस पूरे के पूरे सी एन एन में ठीक है अब बस हमें क्या करना है मॉडल को कंपाइल करना है और इसको एग्जीक्यूट करना है सो वी वुड राइट मॉडल डॉट कंपाइल ऑप्टिमाइजर इक्वल्स एडम लेके चलते हैं शुरू में लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बिकॉज बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और मैट्रिक्स में हम ले लेते हैं एक ठीक है और अब हम लोग मॉडल को रन करेंगे सो वी वुड राइट मॉडल डॉट फिट यहाँ पे आप अपना ट्रेनिंग डेटा पास करोगे जो आपका ट्रेन डीएस में स्टोर्ड है नंबर ऑफ इपॉक लेट्स कीप टू इक्वल टू टेन और आप वैलिडेशन सेट प्रोवाइड करते हो सो यू राइट वैलिडेशन डेटा इक्वल्स ऊपर जो आपने बनाया था वैलिडेशन डीएस ठीक है एंड इट गाइस दिस इज द कोड Uh, एक काम और कर लेते हैं जो भी हमारे पर रिज, uh, रिजल्ट आएंगे उसको हम लोग हिस्ट्री में स्टोर कर लेते हैं सो so दैट आगे हम लोग ग्राफ्स प्लॉट करके देख पाए लेट्स रन दिस कोड यू कैन सी बैच साइज थर्टी टू होने की वजह से हमारे पास सिक्स ट्वेंटी फाइव हैं सो सिक्स ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाय 32 इज एग्जैक्टली ट्वेंटी थाउजेंड जो हमारे पास टोटल इमेजेस है ठीक है एक बार हम लोग इस मॉडल को ट्रेन होने देते हैं एंड लेट्स सी रिजल्ट कैसा आता है ओके गाइस आई गेस एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे शायद अपने मशीन पे भी अगर आप साथ में कोड कर रहे हो तो ये ट्रेनिंग जो हो रहा है ना बहुत स्लो हो रहा है उसका रीजन ये है कि मैं आपको शुरू में एक चीज बताना भूल गया कि आपको क्या करना है गूगल को आप जैसे ही ओपन करो तो आपको रन टाइम में जा करके यू हैव टू क्लिक ऑन चेंज रन टाइम और यहाँ पे आपको हार्डवेयर एक्सक्लोरेटर यूज करना है जी अगर आप ऐसा यूज नहीं करोगे तो फिर आप नॉर्मल सी से पूरा ट्रेनिंग करोगे एंड इट वुड बी वेरी वेरी स्लो तो आपको ये चेंज करना है बट प्रॉब्लम क्या है चेंज करने के बाद कि आपको सारे के सारे कोड को फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ठीक है तो आई जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पर जी है जीपी है एक बार हम इस पूरे कोड को फिर से रन कर लेंगे ठीक है सॉरी अबाउट दिस एंड गाइज अब आप देख सकते हो कि जो ट्रेनिंग हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही है ठीक है तो यही आपको करना था सॉरी मैं बताना भूल गया एंड द ट्रेनिंग इज डन हमारे दस ई बॉक्स का ट्रेनिंग हो गया सो so, मैंने क्या किया गाइज जस्ट टू सी ट्रेनिंग का रिजल्ट कैसा है मैंने कुछ ग्राफ्स प्लॉट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ सो so, मैंने ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी का ग्राफ प्लॉट किया जैसे जैसे देखो तो मोस्टली वो सेवेंटी फाइव टू एचुएट कर रहा है एन यू कैन सी देर इज दिस गैप और ये गैप जनरली बताता है की ओवर फिटिंग हो रहा है जस्ट टू कंक्लूड यहाँ पर हमने वैलिडेशन लॉस और ट्रेनिंग लॉस को भी प्लॉट किया है एंड यू कैन सी Uh, जैसे जैसे ईपॉक बढ़ रहा है तो ट्रेनिंग लॉस रिड्यूस हो रहा है बट वैलिडेशन लॉस धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहा है तो अगेन दिस गैप इज़ इंक्रीजिंग विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पर ओवर फिटिंग हो रहा है मतलब हमारा जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर रिजल्ट बहुत अच्छे दे रहा है टेस्ट डेटा के ऊपर उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे रहा है तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा तो ये कुछ तरीके होते हैं ओवर को रिड्यूस करने के पहला तो ये है कि आप अपने मॉडल को और ज़्यादा डेटा दिखाओ ठीक है जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमने अपना पूरा डेटा यूज कर लिया सेकेंड देर इज अ टेक्निक कॉल डेटा ऑग्यूमेंटेशन जहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ करके और डेटा क्रिएट करते हो तो ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे इसके अलावा आपकी पुराने टेक्निक्स हैं आप L1, L2 रेगुलराइजेशन लगा सकते हो ड्रॉप आउट लेयर लगा सकते हो बैच नॉर्मलाइजेशन भी एट सम लेवल रेगुलराइजेशन प्रोवाइड करता है आप अपने मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हो तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स मैं आपको दो चीजें करके दिखाऊंगा इस वीडियो में ड्रॉप और बैच नॉर्मलाइजेशन लगा के दिखाऊंगा आपका काम है कि आप और कुछ तरीकों से हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ लेकर के ड्रॉप आउट और अब बस हमें जाना है और हमारे मॉडल में हमें चेंजेस करने हैं सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग हमारे कॉन्वल्यूशन लेयर में बैच नॉर्मलाइजेशन ऐड करेंगे लाइक दिस कॉपी यहां पर भी और यहाँ पर भी बैच नॉर्मलाइजेशन से ट्रेनिंग भी थोड़ा इम्प्रूव करता है आप चाहो तो थोड़ा हाइयर लर्निंग रेट भी ट्राई आउट कर सकते हो और यहाँ पर आई विल एड ड्रॉप आउट वन काफी आई गेस एंड सेम फॉर दिस एंड आई विल री रन दिस कोड बैच नॉर्मलाइजेशन इज नॉट डिफाइंड इट्स बिकॉज हमने यहाँ पर एड करने के बाद रन नहीं किया रन किया हमने वापस इस मॉडल को सेल uh, को रन किया मॉडल समरी को रन किया कंपाइल को भी रीरन कर लिया और मॉडल को फिर से ट्रेन करते हैं लेट्स सी कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है एंड वी आर डन विद द ट्रेनिंग एंड आप देख सकते हो कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है हम लोग एट्टी परसेंट एक्सी तक पहुँचे हैं तो मैंने फिर से प्लॉट किया ये पुराना वाला ग्राफ है और इसको जब मैंने दोबारा प्लॉट किया तो दिस इज़ द ग्राफ एंड यू कैन सी ये जो गैप है ये हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर पाए हैं ठीक है सेम मैंने फिर लॉस के ग्राफ के ऊपर किया ये पुराना ग्राफ है और ये दोबारा प्लॉट करने पे आया कैन सी जो गैप था ट्रेनिंग और वैलिडेशन में वो हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर पाए ठीक है तो ये टेक्निक्स में मैंने ड्रॉप आउट और बैच नॉर्म लगा के दिखाया अब आपका काम है कि आप किसी तरीके से परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर पाओ वैलिडेशन एक्यूरेसी को और बढ़ा पाओ ठीक है और अगर आप बढ़ा पाते हो तो कमेंट्स में लिखना कि क्या करने से आपका वैलिडेशन एक्यूरेसी इंप्रूव किया सो so दैट बाकी लोगों को भी समझ में आए ठीक है अब एक लास्ट काम करते हैं मैं एक न्यू अनसीन डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन करके आपको दिखाता हूँ एक कंप्लीटली नए इमेज के ऊपर सो इस प्रडिक्शन करने के लिए मैंने गूगल से दो इमेजेस डाउनलोड किए एक कैट का और एक डॉग का ठीक है मैं इन दोनों के ऊपर ही प्रोडिक्शन करके आपको दिखाऊंगा सो so, कोड पहले से लिख लिया मैंने सो so मैंने सबसे पहले ओपन सी को इंपोर्ट किया और वहाँ पर मैंने सी वी टू डॉट आई एम रीड फंक्शन को कॉल करके डॉग वाला जो फोटो था उसको इंपोर्ट कर लिया एज इन इस वेरिएबल में डाल दिया ठीक है टेस्ट इमेज के अंदर अब एक नंपाई आ रहे हैं विच इज बेसिकली दिस इमेज ठीक है मैट प्लॉट यूज करके मैंने उसको जैसी प्लॉट किया ये रहा वो इमेज ठीक है थोड़ा वियर्ड कलरिंग इसलिए दिख रहा है बिकॉज वो आर सी बी थॉट आर सी बी आर जी बी आपका उल्टा वुलटा रहता है वही आप इम्पोर्ट कर रहे हो यूजिंग ओपन सी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे इट्स ओके okay. उसके बाद मैंने आप आपको यहाँ पे दिखाया कि टेस्ट इमेज का शेप क्या है तो दिस इज़ द शेप काफ़ी बड़ा है वो इमेज ये डॉग वाला तो आपको सबसे पहले इसको रिसाइज करना पड़ेगा 256 256 3 में तो वही किया मैंने यहाँ पर सी वी टू डॉट रीसाइज़ फंक्शन को कॉल करके मैंने 256 फिफ्टी सिक्स में रिसाइज कर दिया ठीक है और उसके बाद लास्ट में मैंने बस एक काम किया कि हम अपने मॉडल को बैचेज में डेटा पास करते हैं ना तो हमारे पास सिर्फ एक ही इमेज है तो हमारे बैच में देर विल बी वन इमेज तो हमने इसको एक फोर डी टेंसर में कन्वर्ट कर दिया वन बाई टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स थ्री सो इसका मतलब ये हुआ कि इस बैच में देर इज ओनली वन इमेज जिसका डिमेंशन ये है ठीक है और ये मैंने टेस्ट इनपुट में स्टोर कर लिया और उसके बाद मैंने मॉडल डॉट प्र जैसे ही किया और टेस्ट इनपुट जैसे ही पास किया आउटपुट में वन आ गया वन का मतलब है डॉग क्यों क्योंकि कैट पहले है तो 0 कैट को असाइन हुआ होगा 1 डॉग को असाइन हुआ है ठीक है जल्दी से ये सारा काम हम लोग cat.jpg के ऊपर भी करके देख लेते हैं इमेज को इंपोर्ट किया ये हमारा कैट का इमेज आ, इसका डाइमेंशंस ये रहा थोड़ा छोटा है ये रीशेप किया बैच में कन्वर्ट किया अब रिमेंबर हमारा आउटपुट शुड बी जीरो एंड यू कैन सी इट इज़ कमिंग आउट टू बी ज़ीरो सो यू कैन सी ऑल दो हमारा एक्यूरेसी अभी तक एटी एटी वन परसेंट ही है बट फिर भी डिसेंटली परफॉर्म कर रहा है नए डेटा के ऊपर सो दैट सेट गाइज दिस इज योर प्रोजेक्ट सो दैट वॉज द वीडियो गाइस आई नो बहुत ही छोटा मिनी प्रोजेक्ट था ये बट जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल देखना खुद में एक बहुत मज़ेदार चीज़ है आई होप आपको मजा आया uh, और ऑल्सो आपको चीज़ें समझ में आई अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय